खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों से कहा कि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की तैयारी करें, आगे की चिंता हम करेंगे। मुख्यमंत्री टीटी नगर स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक एवं पैरालंपिक 2024 के चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मान राशि व शासकीय सेवा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ओलंपिक में भारतीय हॉकी का गौरव लौटाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हॉकी टीम में मध्य प्रदेश के गौरव विवेक सागर ने अपना अहम योगदान दिया है और हमें गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 3 खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ और 3 खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए, 1 खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और 1 खिलाड़ी को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवान दास समनानी, अपर मुख्य सचिव खेल स्मिता भारद्वाज एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिलाड़ी भावना इस बात से स्पष्ट होता है कि वे पदक विजेता खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री पदक से वंचित खिलाड़ियों को अधिक उत्साह के साथ अगली प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वहीं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी किस स्तर का खिलाड़ी बनेगा यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि खेलों से जुड़ने वाला हर खिलाड़ी एक सभ्य अनुशासित नागरिक जरूर बनेगा। पूज्य बापू महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर साथ ही साथ स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये हमारे दोनों महापुरुषों के साथ जोड़कर के 17 सितंबर यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म से लगा करके आज के दिन तक जो पखवाड़ा आयोजन किया है, उस पखवाड़े के अंदर ये जो गुलदस्ता बना विविध प्रकार के कामों का, अलग अलग आयाम अलग अलग प्रकार के रूप स्वरूप बनाते हुए, मैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को बधाई देना चाहूँगा, जोरदार अभिनंदन करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन का उपयोग करते हुए हमारे उस पखवाड़े के अंदर उसकी सबसे बेहतर और खूबसूरत पलों को संयोजन करने का प्रयास किया है। यशस्वी मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। समादरणीय हमारे यशस्वी विधायक जिनका नाम ही भगवान से चालू होता है, भगवान दास सबनानी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय भगवान दास सबनानी जी का। ACS श्रीमती स्मिता भारद्वाज जी, IPS श्रीमान रवि गुप्ता जी, मंच के ठीक सामने बैठे सभी हमारे खिलाड़ी भाइयों बहनों के अभिभावकगण, आगंतुक अतिथिगण, सभी प्रकार के खिलाड़ी और सभी प्रकार के हमारे पत्रकारगण, आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आकाशवाणी में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आता था पहले, आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम, जिसमें विविध प्रकार के गानों का संयोजन करके सभी का आनंद के साथ बहुत सुंदर प्रयोग होता था। मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस आयोजन में भी ऐसे कई प्रकार की चीज़ों को जोड़ा है आपने। बापू का जन्मदिन, पखवाड़े का समापन, उसमें खेल मंत्रालय ने भारत सरकार की भावना के अनुसार हमारे खेल मंत्री मनसुख जी मांडविया जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, जिनका भाव रहा है कि ये आयोजन आज ही के दिन हो, हमने उस क्रम में भी कदम से कदम मिलाया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के मन का भाव मान के चलो, सच मानो, कितना अच्छा लगता है सुनकर के, कोई ओलंपिक, कोई एशियाड, कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी के लिए पहला और आखिरी दिन दरवाजा खुलता है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो जो लगातार प्रोत्साहन दे, जिनने बताया कि एक प्रधानमंत्री कितनी प्रकार की प्रतिभाओं को उनका अपना मनोबल बनाए रखते हैं। जो पुरस्कार पाते हैं उनके लिए भी स्वागत करते हैं, जो पुरस्कार से चूक गए उनका ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये है खिलाड़ी भावना, यह आनंद है, ये प्रोत्साहन चाहिए। खिलाड़ी दिल से मेहनत करता है, दिमाग से योजना बनाता है, ताकत से लगता है, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता है। खिलाड़ी को खिलाड़ी बने रखने के लिए यही तो पल जरूरत लगती है। जब कोई कारण से चूक जाओ तब भी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहे, देश का सबसे बड़ा पद को गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति खड़े रहे। इसलिए कुश्ती का मौका याद करो, कोई कारण से हमारी बहन नहीं ले पाई कुश्ती का पदक,
तो प्रधानमंत्री साथ में खड़े, ये हमारे लिए इसी दिन को तो देखना है, ये तो आनंद है। और ये पृथ्वी के मौके की बात छोड़ो, गगनयान, चंद्रयान, सूर्यान की सफलता के झंडे गाड़ते हैं, लेकिन कोई कारण से वैज्ञानिक विफल होते हैं तो प्रधानमंत्री फिर उनका भी अभिनंदन करने जाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने जाते हैं। ये प्रोत्साहन, ये पुरस्कार के पहले का संबल बढ़ाने का तरीका, यही तो प्रतिभा को निखारता है। और इसीलिए कोई ओलंपिक खाली नहीं जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए भी हमारे अपने सरकार के संसाधनों के अलावा भी अब जिंदल ग्रुप को जोड़ा, और जिंदल ग्रुप के माध्यम से कहा कि एक एक खिलाड़ी को गोद लीजिए, और इस ओलंपिक नहीं, इसका अगला वाला, और अगला वाला नहीं, और अगले वाला। प्रतिभाएं तो पहले दिख जाती, किसी पर 10-10 साल का प्रयास कराओगे तो क्यों पदक नहीं लाएंगे, कौन सा ओलंपिक खाली रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सभी गेम को यही दृष्टि तो चाहिए, इसी की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ओलंपिक में कितना आनंद आता है, और अब तो खिलाड़ी भी गजब कर रहे हैं, क्या गजब। अपनी हॉकी का गौरव वापस लौटा है, नहीं तो हम ध्यानचंद जी को याद करते थे, बीच के कार्यक्रम में सूखा पड़ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने हॉकी में, अगर भारत ने पदक लाए तो मध्य प्रदेश ने भी योगदान दिया, हमारा अपना खिलाड़ी विवेक सागर चट्टान की तरह डट के लड़के और पुरुषार्थ और पराक्रम से पुरस्कार लेकर के आते। तो मध्य प्रदेश का सीना भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ 56 इंच का होता, हमें इस बात का आनंद है। और अकेले वो नहीं, ऐश्वर्य प्रताप जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे, उसको किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे आपके माध्यम से। इस उम्मीद के साथ आपके प्रति शुभकामना देते, बधाई देते, आप अपने खेलते रहो, सरकार आपकी चिंता करेगी। कपिल परमार जोरदार अभिनंदन करो, पैरा ओलंपिक, मेन ओलंपिक भी और पैरा ओलंपिक भी, जोरदार अभिनंदन कपिल का। भगवान की अपनी लीला है, लेकिन ऐसे में हमारी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना सरकार का दायित्व है, इसलिए हमने आपका भी ध्यान रखा, आप भी पुरस्कार लेके आए, इसलिए 1 करोड़ का पुरस्कार आपको भी दिया, मुझे इस बात का आनंद है। जैसे विवेक सागर को मिला और ऐश्वर्य प्रताप को 10 लाख का मिला प्रोत्साहन, आपका 1 करोड़ का पुरस्कार, 1 करोड़ सवाल पैसे का नहीं, सवाल आप सरकार के साथ खड़े और सरकार की भावना के आधार पर आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाओ और पुरस्कार लेके आओ, ये सबको शुभकामना है। एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। रूबीना फ्रांसिस कहां है, रूबीना भी है, जोरदार हमारी बेटी के लिए, बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। 1 करोड़ की राशि पैरा शूटिंग के लिए आपको भी देने की सरकार ने घोषणा की, और हमारे माध्यम से आपको भी कांस्य पदक पर सरकार के द्वारा आपको धनराशि दे के सम्मानित किया जा रहा है। प्राची कहां है बेटी, प्राची के लिए जोरदार अभिनंदन करो। जो भी है कोई बात नहीं, उठना नहीं बेटा, बैठ के आनंद लो, आप तो प्रणाम कर लो, हमने आपको बधाई दे दी, जोरदार अभिनंदन। 10 लाख की राशि प्राची को भी दे रहे हैं, और 10 लाख की राशि पूजा को भी दे रहे हैं। कहां है पूजा, भी है क्या, जोरदार अभिनंदन पूजा, आपको भी बधाई बेटा। और कमल चावला, आपने भी अपने मंगोलिया में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है रेड स्नूकर में, जोरदार अभिनंदन आपका भी। 3 लाख की राशि आपको भी दी जा रही। चैतन्य हेमंत सपकाल, वो कहां चैतन्य, आपका भी अभिनंदन, जोरदार तालियां बजाओ। 2 लाख रुपए आपको देने की भी सरकार ने घोषणा। विभिन्न प्रकार के विक्रम पुरस्कार प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त का भी आज क्षण है। हमने अलग अलग विभागों में सबको सर्विस देने की घोषणा की थी, इसलिए जल संसाधन में चंद्रकांत हरडे जी थ्रोबॉल में, कहां है चंद्रकांत जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। सुश्री भूरक्षा दुबे वुसु में 2022 में आपने अपनी पोजीशन बनाई। सुश्री प्रगति दुबे शूटिंग में 2022 में आपने स्थिति बनाई। सुश्री नैन्सी जैन खो खो में आपने स्थान बनाया 21 में, आपको भी सर्विस दे रहे हैं जल संसाधन में, सरकार गौरवान्वित हो रही है आपको मौका दे करके।
श्री राजवीर सिंह जी मलखम कहाँ राजवीर सिंह, जोरदार अभिनंदन, बहुत अच्छा। 2022 में आपने पुरस्कार प्राप्त किया था, आपको भी शासकीय सेवा का लाभ दे रहे हैं। सुश्री पूनम शर्मा दिव्यांग जुड़ो में आपका हमारे लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारी बेटी पूनम शर्मा के लिए। और लोक निर्माण विभाग में हमारी प्राची जाने वाली पेराकूनो में 2020 में उसने पुरस्कार प्राप्त किया, कहाँ है पूजा, जोरदार अभिनंदन करो पूजा के लिए भी, ये प्राची के लिए। और सुश्री निधि ननहेट कराटे में इसने अपनी पोजीशन बनाई, आपको भी लोक निर्माण विभाग में जोड़ रहे हैं, आपके माध्यम से हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सुश्री पूजा पारखे साफ्टवाल में 2019 में आपने पोजीशन बनाई, आपको भी शासन अपनी सर्विस में रख रहा है। सुश्री पूजा पारखे साफ्टवाल 2019 में, कहाँ है पूजा, जोरदार अभिनंदन बेटी के लिए भी अभी के बाद धन। सुश्री रागिनी चौहान साफ्टवाल में 2021 में, रागिनी आपको भी बधाई देते हैं। ऊर्जा विभाग में श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस में, आपका भी स्वागत है, देखना बिजली बिजली जलाते रहना भैया, सब आप पे उम्मीद है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा साहसिक खेल में भी जोरदार अभिनंदन, आप भी ऊर्जा विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल एजुकेशन में श्री कंचन ज्योति कबड्डी 2021 में आपने अपना पोजीशन बनाई, आपको अभी शासकीय नियुक्ति देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ, यह नियुक्ति पत्र दे दिए है ना इनको, विभाग भी डिसाइड हो गए, बहुत अच्छा, अभिनंदन करो। श्री सुबोध चौरसिया जी साफ्टवाल 2022, श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस 2022, वन विभाग सुश्री चिंकी यादव शूटिंग 2019। एक बार पूरे सभी आज गौरवान्वित होने वाले सारे अपने भाई बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, कोई पुरस्कार पा रहा है, कोई नौकरी पा रहा है, और आनंद के इस क्षणों में हम सब आनंद भी पा रहा है, अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां। बाकी विधायकों के मंत्रालय अलग अलग प्रकार से चलते हैं, उनकी अपनी अलग कार्य पद्धति होती है, लेकिन एकमात्र मंत्रालय जो अंदर और बाहर दोनों की प्रसन्नता के आनंद की वर्षा करता है वो एकमात्र विभाग है खेल विभाग, जिसके माध्यम से हमारे इस आनंद के लिए कोई मीटर नहीं चाहिए, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी ऊर्जा, आपका आनंद। और आदिकाल से इसलिए खेलों के महत्व को अब लोग समझने लगे, लेकिन हमारे देश में खेल का क्या महत्व है, हजारों साल से हमारे यहां तो स्वयंवर के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बल पे ही विवाह होते थे, इतनी गौरवशाली परंपरा भारत की है, दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा। बेटी अपने विवाह के लिए अपने पति परमेश्वर के लिए उसके मन में आए जो कल्पना करके वो कठिन से कठिन विषय सामने रखती थी, अब जिसमें दम हो वो आकर के वर्ण करके ले जाए, ये स्वयंवर है। हमारे यहां विवाह की इतनी गौरवशाली परंपरा, स्वयंवर, स्वयं का वर का चयन कौन देता है इतना अधिकार कहीं पे, और उसमें भी हमारे अपने बहन बेटियों का जो महत्व है ये किसी से छिपा नहीं, ये हमारी परंपरा है। इसलिए देवी देवताओं को भी सीताराम राधे कृष्ण हमने अपनी माता बहनों का नाम आगे रख करके सदैव अपनी संस्कृति को गौरवान्वित किया है, ये धारा हमारे लिए। इसीलिए इकबाल कहते हैं कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हर दौर में हर समय हर कठिन काल में भारतीय और भारतीय संस्कृति पर आक्रमण होते रहे, लेकिन सभी आक्रमणों से चट्टान की तरह हम मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा करते, अपने धर्म की रक्षा करते, सनातन संस्कृति की रक्षा करते। यूनान, मिस्र, रोम, बड़े बड़े देश खत्म हो गए, लेकिन हमने अपनी उस अच्छाई को, सच्चाई को और विशेषता को कायम रखा है। इसलिए खेल खेल में हम अपने इतिहास को भी बचाते हैं, अपने गौरवशाली संस्कृति को भी बचाते हैं, और यह आज का अवसर हम सब के लिए गौरवशाली है। जब भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय स्मिता जी, आदरणीय रवि जी, यहां पर उपस्थित हमारे वो खिलाड़ीगण जिन्होंने प्रदेश और देश का नाम ओलंपिक पैरा ओलंपिक में रोशन किया है, ऐसे हमारे सभी खिलाड़ी बंधु एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरे दाहिनी तरफ वो सब हमारे खिलाड़ी बंधु बैठे हुए हैं और उसके साथ ही हमारे वो विक्रम अवार्डी जिनको आज माननीय मोहन यादव जी नियुक्ति पत्र शासकीय नौकरी का देने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित उन सब खिलाड़ियों के पेरेंट्स, हमारे सभी कोचेस, एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी खिलाड़ी बंधु और हमारे बीच में अभी हमारे विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज हम उन दो महापुरुषों का जन्म दिवस मना रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी को हमें सौंपने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हम महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। भाई और साथियों, इन दो विभूतियों के अलावा हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी की आंदोलन को जो दिशा दी, उसके बाद हम आजाद हुए और आजाद हिंदुस्तान को संवारने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज हम उन दोनों महापुरुषों की जयंती को स्वच्छता और सेवा के रूप में मना रहे हैं। जैसा अभी हमने फिल्म में देखा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास तो हुआ ही हुआ, पर जिस प्रकार से किसी लीडर की जो भूमिका का सही आकलन होता है वो केवल विकास के कार्य से नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं अपेक्षा होती है कि वो समाज को कुछ ना कुछ दिशा दिखाए। और नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास और कल्याण के तो कीर्तिमान तोड़ते ही रहे, पर हमें फक्र होता है कि उन्होंने इस देश में केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राज करने का काम नहीं किया, बल्कि हर परिवार के पालक के रूप में समाज को दिशा दिखाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए तो महात्मा गांधी का वो स्वच्छता का अभियान जो आजादी के पहले उनका संदेश था, उसको मूर्त रूप में उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 में उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की बात की और उसके बाद लगातार 10 वर्षों से आज समाज में स्वच्छता ये जिम्मेदारी के रूप में उभर कर आई है। इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने इस पखवाड़े को बहुत जिम्मेदारी से निभाने का काम किया। भाइयों और साथियों, यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल ने में भी हिंदुस्तान में अपना अलग स्थान बनाया है। किसी भी सब खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.